नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट। जैसा कि जानते हैं, मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और आप सभी दोस्तों से आग्रह है आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चूंकि आज साल की ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आज 7 जनवरी, जो 1 जनवरी होती है वो नववर्ष बोलते हैं, ऐसे तो हम हिंदुओं का जो हमारे सनातन परंपरा है उसके अनुसार तो हम लोग का मार्च से शुरू होता है। लेकिन आज नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। इसके साथ साथ आप सभी जानते होंगे कि मेरे एक लंबे संघर्ष के बाद हम सभी बक्सरवासियों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, और वह है कि हम लोगों का इटाढ़ी आरओबी जो है, बक्सर में इटाढ़ी आरओबी का जो है बनना लगभग तय हो चुका है। जो सरकार ने, बिहार सरकार ने अपना पैसा एलोकेट कर दिया है, रेलवे ने 2019 में अपना पैसा एलोकेट कर दिया था, तो एक बहुत बड़ी जीत है हम सभी बक्सर जिले वासियों की। और इसके साथ साथ चौसा का भी काम हो चुका है, चौसा पे भी काम लगने जा रहा है, और एक लंबे संघर्ष के बाद, बहुत संघर्ष रहा इसके लिए, तो आफ्टर द इतने सारे संघर्ष के बाद आज ये फाइनली काम होने जा रहा है। क्योंकि नववर्ष में जो और सबसे बड़ी खुशी की बात यही है हम बक्सरवासियों के लिए कि हम लोगों का आरओबी जाम से निजात मिलने जा रहा है, हम लोगों का काम शुरू होने जा रहा है। इसमें जो भी मेरे साथी थे, जो भी मेरे बड़े भाई थे, जो भी मेरे गार्जियन थे, जिन्होंने भी मेरा एक दिन भी सपोर्ट किया, एक मिनट भी सपोर्ट किया, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और सभी सबसे बड़ी बात कि जो लोगों के अंदर जागरूकता नहीं थी, वो अब जागरूकता इस पुल के माध्यम से, जो हम लोगों ने इतना लड़ाई लड़ा, अब लोगों के अंदर जागरूकता आनी चाहिए। बक्सर में बहुत सारे अभी भी मुद्दे पड़े हुए हैं, तो इसीलिए दोस्तों मैं सोचा कि ये वीडियो एक नववर्ष पे आनी चाहिए थी, और वो मैंने बनाई, और आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और फिर से एक मैं बात सभी बक्सरवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि अब हम लोगों का पुल जो है वो बनने जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने फेसबुक भी नया बना लिया है, क्योंकि पुराना फेसबुक मेरा लॉक करा दिया गया, दूसरा फेसबुक बना लिया है जगजीत भट्ट के नाम से, तो आप वहां पे भी जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।